वालेकुम सलाम जी आजी फार साहब तीसरी बॉल अच्छी बॉल इस बार फिर मिस चौथी बॉल फुल टॉस बॉल फुल टॉस बॉल स्टेट पर लेकिन फील्डर मौजूद दोनों फील्डरों के दरमियान एक ही रन मिलेगा खुर्रम चकवाली सामने आ गए साहब यूनुस आए हैं और स्लो वन बॉल की स्ट्रेट वे और इस तरह पहली चेक किया एक ही बॉल यूनुस टू सारू इस बार फिर मिस फ्रांशा इस बार यही लगा लेकिन से थोड़ा सा आगे गिर गई बॉल वाले ऑफ स्टंप से बाहर बॉल वाइड का सिग्नल आया अंपायर की जानिब से और इस तरह एक्स्ट्रा का एक रन खुर्रम चकवाली को और छक्का खेल दिया चकवाली का पहला छक्का इस साल का इस टूर्नामेंट और ये शोल्डर पे लगी बॉल लेग बॉय जी लेग बॉय है लेग बॉय है 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 सर है तमाम स्कोर आई जी सवर में और ये एक और उठा के खेल दिया थर्ड मैन की जानिब छह रन के लिए लेकिन अच्छी बॉल की आजा आजा कवर की जानिब खेल दिया और मिस फील्डिंग हुई और इस सिस्टम में मजीद एक रन तो भी ये दोनों टीमें आपस में टकराई हैं और उठा खेल दिया है नी में डाउन पर और चार रन के लिए चार रन कैसी होगी यूनुस यूनुस और स्लो बॉल की और छह रन के लिए बहुत और छक्का और सारू इन मान साहब अच्छी शॉट स्टेट पर छह रन स्लो वन किया इसको लेग साइड पे फील्डर मौजूद है लेकिन मुश्किल लेकिन एक ही रन साहब मेरे सर गिल्ले में साहब यूनुस टू खुर्रम चकवाली और आउट और खुर्रम चकवाली आउट होकर ये विकेट हासिल कर ली गई खुर्रम चकवाली यूनुस टू साकिब और स्टेट पर खेला है स्टेट पर एक ही रन और एक ही रन का छाई की तरफ से भी और कामरा वाले की तरफ चौथे ओवर की पहली बॉल लेकिन वाइट उनकी तरफ से खेलेंगे और लेग स्टंप से बाहर बॉल हम एंजॉय करें गेम के बारे में अनीस टू साकिब ऑफ साइड पे फील्डर ही कोई नहीं है और आराम से भाग रहे हैं दो फील्डर गली पोजीशन पर और इस तरह तीन रन का इजाफा जी और स्लो वन बॉल लेग साइड पे गई कर दिया एक रन का ज्यादा रन पर स्लो वन बॉल किया था इसको खेल दिया लेग साइड पर हल्की सी फ्लिक की एक रन के लिए सारू दूसरा रन लेना चाह रहे थे लेकिन चौथे ओवर का खेल जारी है और ये एक और लेग बाई की सूरत में जो है रन आ रहा है तो मजीद एक्स फुरकान शाह का नहीं पता नहीं कौन फुल टॉस बॉल थी कवर पर खेल लिया एक रन के लिए फिलहाल मर्दानी और अच्छी शॉट स्ट्रेट पे फील्डर मौजूद है लेकिन मिस फील्ड करते हैं उस वजह से हमें नहीं मालूम अच्छी बॉल थी लेकिन आउट साइड एज लगा आउट साइड पे उसमें मामूल कोई भी प्लेयर नहीं है चार रन दूर से फील्डर भाग कर आए और इस तरह तीन रन का अच्छी बॉल और लेग बॉय थी जिसको अंपायर लाइट खराब होगी तो कल ही ठीक नो बॉल का इशारा हमें नहीं मिला है अच्छी बॉल थी लेकिन उससे अच्छी शॉट थी क्लिक कर दिया है लेग साइड पर फील्डर मौजूद लेकिन छह रन मैच आज भी फ्रॉम आउट हो गए पवेलियन वापस जा चुके हैं ऑफ स्टंप से वाइट यार अच्छी शॉट कवर खेल दिया एक रन के लिए दूसरे रन के लिए आना चाह रहे थे सारू लेकिन मना किया क्योंकि मुझे लग रहा है कि सारू को चाह भी मैं बड़ा इंतजार कर रहा हूँ उसके लिए अच्छी शॉट छह रन के लिए और बॉल ऊंची शॉट फील्डर मौजूद नीचे आए हैं बॉल के लेकिन मिस ड्रॉप कर दिया कैच अपना हाथ रखें फिलहाल वाह अच्छी बॉल शॉर्ट लेंथ बॉल किया था ले बीट अंपायर का इशारा प्रॉपर शॉट है बैट्समैन और कीपर दोनों और स्लो वन दोबारा ऊंची शॉट लेकिन तीन फील्डर्स मौजूद हैं मिस हुए फील्डिंग सारो आउट इसकी तरह से पिछले साल तो खेलेगे लास्ट बॉल अच्छी छह रन लेग साइड पे काफी मजबूत है और खेल दिया लेग साइड पे छह रन के लिए स्कोर वैसे ही आ सकता है
मैं उसे स्टॉप करना नहीं कर रहा हूँ, स्टॉप कर दो है रहे हो गया ना ठीक है पास पास पहली बॉल पे दूसरा दो रन आए थी दूसरी बॉल पहले ओवर की और बेहतरीन शॉट यकीन छक्का और सामने जो पोल लगा है उसके और सर पे लगी पर बॉल अब आए यूनुस और अच्छी बॉल फ्लड लाइट टूर्नामेंट का दूसरा था क्या करते हैं 95 रन के लिए चांस कौन लेना चाह रहे हैं हिम्मत और यूनुस पहुंच गए करना है हमिद 11 कामरा को दुर्घटना और अभी अभी हमें पता लगा कि दुर्घटना और मौजूद है राशिद डीडा खुद अब देखना होगा और बेहतरीन कैच और इसका अच्छी बॉल मिस किया डीसी मुक्ताज टू नेमतुल्ला उस जगह लेग साइड पे खेला है और कोई शक नहीं है इसके छह छक्का होने में डीएम हजरत अटक से और जस्ट एक इंच का फर्क था मेरे मोबाइल में और बॉल और अच्छी बॉल और पहुंची गई है बॉल और इमरान चूजी ने कैच पकड़ा है लेकिन मोबाइल लग गया और इस दफा फिर स्ट्रेट पर खेलना चाह रहे थे लेकिन और एक और बॉल मिस किया लेकिन और इस बार वाइट और चार रन टोटल 5 रन आए इस बॉल पे बगैर बॉल वालेकुम सलाम जी राजा बसनी और इस बार बेहतरीन शॉट 6 रन फुल टॉस की सीधा खेला 4 रन के लिए और इस दफा ऑफ साइड से निकल गई बॉल वाइड मौजूद बॉल रोक और इस दफा लेग साइड पे खेल गया 3 फील्डर मौजूद हैं बॉल के पीछे 2 रन बनेंगे ये फैसला करना पड़ेगा ऊंची गई है बॉल वाइड मौजूद हैं बॉल के नीचे बहुत ऊंची बॉल है और बिल्कुल किसी को भी नज़र नहीं आई 2 रन और इस पर लेग साइड पे बॉल थी वाइड होनी थी लेकिन कपड़ों से लग गई इस तरह लेग ऊंची शॉट खेलने की कोशिश में मिस किया इस बॉल को इस बार ऊंची बॉल अंपायर का सहारा देखना होगा अंपायर पहली बॉल सीधा चौका रोक लिया गौरव ने खुद और ऊंची शॉट मुकुल्ला